गुड मॉर्निंग क्लास, ये आपकी सेकेंड क्लास है बच्चों। आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी क्योंकि आपके यूटी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो हमारा यूटी होगा उसका ये चैप्टर है जो रिवीजन करवाऊंगी मैं। तो पार्ट 3 का है लालच का फल। मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया भी था, आपने पढ़ भी चुके होंगे इसे, तो आज बच्चों से हम रिवाइज करेंगे एक बार और। लालच के कारण क्या था, इसमें जो स्त्री होती है वो क्या होता है, लालच के कारण क्या हो जाती है, फिर से गरीब हो जाती है, यानी कि बहुत ही निर्धन हो जाती है। गरीब का निर्धन का मतलब होता है गरीब, तो वो पहले तो गरीब होती है, फिर एक हंस आता है तो उसे एक पंख दे देता है, सुनहरा यानी कि सोने का पंख देता है, तो वो बहुत ही अमीर हो जाती है। फिर उसके बाद में लालच आ जाता है, तो फिर उस फिर से वो क्या हो जाती है, गरीब हो जाती है, यानी कि निर्धन हो जाती है फिर से। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लालच के कारण एक स्त्री पुनः निर्धन हो गई। उसके अंदर बहुत लालच था बच्चों, पढ़ाया था ना चैप्टर, तो ये वाला चैप्टर आपका आएगा, इसलिए ये रिवाइज करवा दूँ मैं। एक निर्धन स्त्री अपने दो बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बच्चों बताइए हमें, जो एक निर्धन स्त्री थी यानी कि जो एक गरीब स्त्री थी वो कहाँ रहती थी, झोपड़ी में, ठीक है। और उसके कितने बच्चे थे, उसके दो बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर लगे पेड़ पर कौन बैठा था, एक हंस बैठा था। जो उसके झोपड़ी थी वहाँ पे क्या लगा था, एक पेड़ लगा था, और उस पेड़ पे आपको कौन बैठा था, हंस। अच्छे से याद रखना कौन बैठा था बच्चों, एक सुनहरे पंखों वाला एक हंस अचानक आके बैठ गया था, ठीक है। बालिका ने उसे पानी पिलाया था, और फिर क्या, जब वो बैठा हंस को प्यास लगी थी, तो बालिका ने क्या किया, बालिका का मतलब होता है जो लड़की थी, स्त्री की जो लड़की थी, उसने क्या पिलाया था, हंस को पानी पिलाया था, और हंस को प्यास लगी थी तो उसने पानी मांगा था लड़की से। तो लड़की ने यानी कि बालिका ने क्या किया, पानी पिलाया उसे, तो पानी पीकर हंस बहुत ही प्रसन्न हुआ। बच्चों प्रसन्न का मतलब होता है खुश, ठीक है। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होगा खुश। प्रतिदिन इसलिए वो खुश होकर उसने क्या किया, हंस ने उसे एक, उस लड़की को एक पंख दे दिया, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएगी, बहुत ही उसके घर में धन आ जाएगा, वो बहुत ही अमीर हो जाएगी। प्रतिदिन झोपड़ी के पास आता और स्त्री को एक पंख दे जाता, जो हंस था। बच्चों समझ रहे हो आप, ये स्टोरी समझ आ चुकी होगी तुम्हें, और रिवाइज करो तो ज़्यादा से अच्छे से आ जाएगी आपको। जो हंस था वो डेली आता था, प्रतिदिन का मतलब रोज आता था, और एक पंख अपना दे जाता था। तो स्त्री ने सोचा कि बाई चांस कभी ऐसा हुआ ना कि हंस नहीं आया और फिर हमारे पास धन की कमी हो जाएगी, तो इस बार हंस आएगा तो हम सारे पंख उसके उखाड़ लेंगे। ये किसके मन में लालच था, स्त्री की, जो गरीब स्त्री थी उसके अंदर ये लालच आ गया। तो हंस जब आया था तो उसके पंख क्या किए थे, स्त्री ने उखाड़ लिए थे, जो उसके सुनहरे पंख थे वो उसको उसने सारे उखाड़ लिए थे, पर वो क्या हो गए थे, सारे सफेद हो गए थे, वैसे के वैसे थे, कुछ नहीं स्त्री को मिला था, क्योंकि वो एक जादू था जो हंस अपनी तरफ से वो उससे सुनहरा पंख देता था, पर स्त्री के मन में लालच आने के कारण वो फिर से वैसे की वैसी गरीब हो गई। उसने हंस के सारे पंख उखाड़ लिए थे, ठीक है। स्त्री लालच के कारण क्या हो गई थी, फिर से बच्चों गरीब हो गई थी, ठीक है, यानी कि निर्धन हो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो इस चैप्टर में मैंने अभी रिवाइज करवाया कि उसके कितने बच्चे थे, दो बच्चे थे, ठीक है, वो कहाँ रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, और उसे उसकी हेल्प किसने की, यानी कि एक हंस ने, उसको दया आ गई इसलिए उसने हंस ने उसको पंख दे दिया ये, और जो हंस था उसकी प्यास किसने बुझाई थी, बालिका ने यानी कि लड़की ने बुझाई थी, और हंस के पंख कैसे थे, तो हंस के पंख सुनहरे थे, यानी कि सुनहरे का मतलब होता है सोने जैसे, ठीक है, चमकते थे सोने की तरह, जो सोने का कलर होता है सुनहरे कलर के, वैसे हंस का पंख था। तो बच्चों इस चैप्टर को रिवाइज करना, और आपका जो फोर्थ चैप्टर है गांधी जी वाला, उसको आप रिवाइज करोगे घर पे। ये वाला मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है। फोर्थ चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए हैं, जितना भी आएगा पेपर में सारा भेज दिया आपको, एक बार उसको रीड कर लेना और समझ लेना, बाकी मैं लाइव क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो रिवाइज करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।